महाराज की महाराज की तबीयत आज थोड़ी नासाज है तानसेन, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। हम तो महाराज की जय कहने वाले थे महाराज। हमें लगा कि आप हमारी तबीयत पूछ रहे हैं। महाराज की जय हो गया। आप आगे बढ़िए। इस बार हम तबीयत के बारे में ही पूछ रहे थे महाराज। महाराज की तबीयत को क्या हुआ है? हाँ, वो जो हमारे, आप खैर छोड़िए इस बात को। आप क्या कह रहे थे? आप वो कहिए महाराज की क्या? अरे महाराज की जो होनी थी महाराज की हो चुकी। अब आपको जो कहना है वो कहिए। आगे बढ़िए जरा। इस बार हम कहने वाले थे कि महाराज की शान में इस तानसेन ने किया है दो नए रागों का आविष्कार, जिस पे इस रकासा ने तैयार किया है नृत्य शानदार। शुरू करें यदि महाराज की हो इजाजत, क्योंकि आपका दिल बहलाना है हमारी इबादत। महाराज आप अगर इजाजत दे तो सांस छेड़े। जो छेड़ना है छेड़ो, बस महाराज की कहकर हमें मत छेड़ो। आपको जो छेड़ना है छेड़िए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। आप तो अच्छा कर रही थी। हमें सरदर्द हुआ है, ये सरदर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। और हमारे सरदर्द का कारण है हमारे तख्ते जिगर शहजादे सलीम। जिद पकड़ के बैठे हैं कि दिल्ली का नाम बदल के कुछ और रख दे। अरे ऐसे कैसे कुछ और रख दे? उनका कहना है कि दिल्ली शहर इतना बड़ा है तो उसका नाम इतना छोटा क्यों? उनका तो यह भी कहना है कि जिस शहर में कुतुब मीनार बनाने के बारे में सोच रहे हैं उस शहर का नाम कुतुब मीनार से थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। उन्हें समझाते 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 हमारे दिमाग के नगाड़े बज गए हैं, तब जाके समझे हैं वो शहजादे सलीम। और ये सरदर्द, हो 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 हो, चाहे हकीम को बुला कर लाइए आप। महाराज, सुना है कि आपकी तबीयत दर्द से सर फटा जा रहा है बीरबल। हमारी ये औलाद हमारे पुरखों के गुनाहों की सजा एक दिन हमारी जान लेकर जाएगी। महाराज हमें जल्द से जल्द शाही हकीम को बुला लेना चाहिए। नहीं बीरबल नहीं, इस सलीम का इलाज किसी शाही हकीम के पास नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है। महाराज मैं आपके सरदर्द की बात कर रहा हूँ। हमें लगा कि आप सलीम के बारे में बोल रहे हैं। शाही हकीम के लिए हमने बलदेव को भेजा है, वो आते ही होंगे। अरे लीजिए बलदेव आ गए। ये क्या है बलदेव? हमने आपको अपने सरदर्द के लिए शाही हकीम को बुलाने के लिए कहा था और यहाँ आप एक और सरदर्द साथ ले आए। आपको पता है हमारा सर दर्द से कितना फटा जा रहा है? मुझे पता है, फटे तो हम जा रहे हैं फूफू जान। ये सोच सोच के कि जब आपको पता चलेगा कि शाही हकीम शाम से पहले नहीं आने वाले हैं तो आप किस किस पे फटेंगे? क्या अब क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल बात यह है कि शाही हकीम जनाब इरशाद खान साहब को जड़ी बूटी की तलाश में वृंदावन गए थे, लौट रहे हैं, लेकिन आते आते शाम हो जाएगी। महाराज आप चलिए मेरे साथ, रास्ते में ही शाही हकीम से मिलके आपका इलाज करवाते। हाँ चलिए। हमने सुना था कि हर किसी में एक बच्चा होता है,
लेकिन आपको इस तरह से बच्चों की तरफ बात करते हुए देख रहा हूं तो यकीन हो गया। अरे महाराज, कोई दरबान या कोचवान नहीं है जो कभी भी कहीं भी चलते। अरे मुगल सल्तनत के सम्राट है महाराज। अरे यूं ही किसी शाही हकीम से मिलने निकल पड़े तो महाराज की गरिमा के लिए ये लज्जाजनक बात होगी। मुझे पता है, तो लज्जा तो आपको आनी चाहिए पिताजी। मतलब ऐसे ही तड़पते रहेंगे हमारे फूफू जान अपना सर पकड़कर। अरे आपको कुछ करना चाहिए ना इनके लिए। चुप रह। करते हैं ना महाराज। कब करेंगे? जब फूफू जान अपना फटा हुआ सर लेके उसे सिलने बैठेंगे। चुप रह। करते हैं ना महाराज की समस्या का समाधान। सर दर्द तो एक सामान्य रोग, इसका इलाज तो घर में भी किया जा सकता है। ओह, तो आपके पास इलाज है हमारे सरदर्द का? है ना, कुछ कुछ करीले के छिलके, कुछ कुछ नीम के पत्ते, काली मिर्च पनीर के साथ मिलाकर खा जाए। लेप बनवाए। अच्छा, लेप बनाकर सर पर लगाएं। खा ले। आपका नुस्खा तो जरा अजीब सा है, लेकिन आप कहते हैं तुम महाराज हमें शाही हकीम का इंतजार करना चाहिए। इंतजार नहीं कर सकते बीरबल, इंतजार नहीं कर सकते। सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। आप लेप बनवाने का इंतजाम कीजिए और इस सर दर्द को अपने साथ लेकर जाइए। मुझे पता है। अरे जाइए लेकर इसे। चल बेवकूफ, चुप। पर आप ठीक से कीजिए ना फूलचंद जी। जी महाराज। मित्र तानसेन, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे? टूटा है दिल, तुम नहीं रहे हैं आंसू। मलाल नहीं होता जो किया महाराज ने, ये तो करते सलीम और वासु। ऐसा क्या किया महाराज ने? उब चुके हैं वो अब हमारे संगीत से, हमारी मौसिकी से। अब नहीं है कोई उन्हें लगाव या कोई दिलचस्पी हमारे संगीत चौकी से। गलत सोच रहे हो मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो भरे दरबार में हमारा संगीत रुकवा कर महाराज हमसे गुस्से का राग न छेड़ते। ऐसा क्या कहा महाराज ने? बंद करो ये बकवास। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। ऐसा महाराज ने कहा था? बंद करो ये बकवास, बर्दाश्त नहीं होता। कर लिया है हमने ये तय, एक नई कला से महाराज को लुभाएंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे कि महाराज हतप्रभ हो जाएंगे। और महाराज को क्या था वो? हतप्रभ। हतप्रभ करने के लिए सीखोगे क्या? नृत्य सीखेंगे, नृत्य उर्वशी से, और ऐसा दिखाएंगे महाराज को हमारी नृत्य की कला का जलवा। महाराज खुद हमें गोद में बिठाकर खिलाएंगे शाही हलवा। दखलंदाजी के लिए माफी हुजूर। जनाब बिरबल साहब को बादशाह सलामत ने याद किया है। मित्र आप जाइए महाराज से मिलने, हम जाते हैं ढूंढने उर्वशी को। सोचा था दे देंगे जान, पर अब अलविदा खुदकुशी को। उर्वशी कहाँ हो उर्वशी? आपने याद किया महाराज? याद तो इस वक्त हमें अपनी नानी की आ रही है बीरबल। वो यहाँ होती तो हमारा ये हाल ना होता। पता नहीं उस बलदेव ने हमें क्या पिलवाया है। पहले सिर्फ सिर दर्द हो रहा था, पेट में गोले फूट रहे हैं, गोले। तो शाही हकीम का क्या हुआ बीरबल? महाराज कबूतर से संदेश भिजवाया है, शाही हकीम आते ही होंगे। उन्हें कहिए कबूतर पर बैठ कर आए, जल्दी आए। महाराज मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको शाही हकीम का इंतजार करना चाहिए। अरे इंतजार तो एक बार हमारे पिताजी ने किया था। इतना इंतजार किया, इतना इंतजार किया,
बेचारे इंतजार करते करते स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन इंतजार नहीं छोड़ा। किसका इंतजार कर रहे थे आपके पिताजी महारानी? आज तक हम भी उसी इंतजार में है, ये पता तो चले कि किसका इंतजार कर रहे थे हमारे पिताजी। महारानी, हमें पहले से सरदर्द हो रहा है, अब इस सरदर्द को और बढ़ाइए मत। वैसे पेट दर्द भी शुरू हो गया है अब तो। मालूम है हमें, इसलिए तो हम आए हैं। अब इतना खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही ना। एक ये है महाराज, इतना खाते हैं कि रसोई घर के महाराज बेचारे बीमार ही पड़ गए। अब महाराज है तो क्या हुआ, पूरी सल्तनत खा जाएंगे। अरे इतना खाओगे ना महाराज तो पेट में जंग तो छिड़ेगी। चलिए पी लीजिए। ये क्या है? जहर। कोई एतराज है आपको? नहीं नहीं, आपके हाथों से तो जहर भी मंजूर है हमें। अब बातें बनाना बंद कीजिए और पी लीजिए, मेरी माँ के हाथों का नुस्खा है। पीते ही ऊपर, अरे ऊपर छत पे कबूतरों को दाना देते दिखाई देंगे। यकीन ही नहीं होगा कि कभी आपके पेट में दर्द था। लेकिन महारानी साहिबा, ये है क्या, मतलब आपने इसे बनाया कैसे? अरे बिरबल, ये तो मेरी माँ के हाथों का कमाल है। ऐसी ऐसी चीजें बनाती है बीमारों के इलाज के लिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए पीजिए पीजिए। पी रहे हैं। बिरबल, आपको पता है ये जो महाराज पी रहे हैं ना, इसमें गाय का गोबर भी मिलाया जाता है। इसमें गाय का गोबर नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। मैं थोड़ी ना गाय का गोबर मिलाऊंगी इसमें। बात करते नहीं है। नहीं 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 है। बस चार पांच छील के पिसे हुए अंडे और छिपकली का रस भी डाला जाता है। डाला तो नहीं है ना? डाला है ना? अरे चार पांच छील के अंडों का रस डाला है, छिपकली तो मिली नहीं। पूरा महल छान मारा, इतना ढूंढा, एक चिपकली नहीं मिली महाराज मुझे। महाराज आप रहने दीजिए, मुझे लगता है आपको शाही हकीम का इंतजार कर लेना चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है। अपमान, रानी साहिबा का अपमान आपके सामने, रानी साहिबा की माँ का अपमान किया इस आदमी ने और आप खामोश बैठे हैं। एक बार मेरी माँ का अपमान मेरे पिताजी ने किया था। वाह वाह, क्या अपमान था। मेरे पिताजी इतनी साड़ियाँ, इतने जेवरात लाए थे माँ के लिए और शीशे सारे छुपा दिए महल के। वो एक अपमान था और ये एक अपमान है। इस आदमी का खून। पी रहे हैं। ये जो काढ़ा आप लाई है वो हम पी रहे हैं। हाँ तो पीजिए ना, इसमें है ही क्या, बस चार पांच चील के पिसे हुए अंडे, मरे हुए चूहे की नाक, घोड़े की नींद, और क्या, पी जाइए। क्या हुआ महाराज? आप क्या कर रहे हैं तानसेन जी? अपने पैरों को ऐसा ऊंचा उठाइए ना, ऊंचा ऊंचा उठाइए, उठाइए पैरों। हाँ, तिकधा तिकधा तिकधा, छोड़िए। क्या छोड़िए उर्वशी? ये नृत्य सीखने की कोशिश करना छोड़िए, आपके बस की बात नहीं है। ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर हमारी जान छोड़िए, आपको सिखाना हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़िए। क्या छोड़े? अरे हमारे घुंघरू छोड़िए, हमें भी तो रियाज करना है। मतलब महारानी की दवाई का असर पेट की जगह सीने पे हो गया। इस असर ने तो सारी कसर निकाल दी बीरबल। उल्टी कर कर के सारी दुनिया उल्टी दिखाई दे रही है हमें। पहले तो सिर्फ सर में दर्द था, पेट में दर्द था, अब सीने में जो जलन हो रही है। क्या
क्या हुआ महाराज? वो आ रहा है। कौन? वो जिसे देखकर हमेशा खुदकुशी करने का दिल करता है, वो आ रहा है। आज हम आपकी बीमारी का वो इलाज करेंगे, वो इलाज करेंगे। या तो आज आपकी बीमारी नहीं होगी या आप नहीं होंगे। सलाम अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर मर गए, मरने वाले हैं। आप आए क्यों हैं आप? हम आपकी बीमारियों का वो इलाज लेके आए हैं अब्बा हुजूर कि जिसके बाद आप किसी दुश्मन के हाथों हलाक हो तो हो, लेकिन कभी किसी बीमारी के हाथों हलाक कभी नहीं होंगे। मतलब अब आप भी महाराज को कोई दवाई देना चाहते? हम भी? अरे हम ही तो हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं। वाह भाई, माफ कीजिएगा शहजादे सलीम, लेकिन आप दवाइयों के बारे में क्या जानते हैं? आप तो गधे हैं ना। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो नहीं है, शाही गधे हैं हम, जिसमें ना अकल है ना दिमाग, ना सोच है ना समझ। आप दोनों के सामने तो यही छवि है ना हमारी। लेकिन आज भी हम आप दोनों को दिखा देंगे कि हम भी उतने बेवकूफ नहीं हैं कि जितने की आप दोनों हमें समझते हैं। आज हम आपकी बीमारी का वो इलाज करेंगे, वो इलाज करेंगे। या तो आज आपकी बीमारी नहीं होगी या आप नहीं होंगे। मेरा मतलब है आपकी बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। चलिए अब्बा हुजूर, उल्टे लेट जाइए। क्या करें? उल्टे लेट जाइए। क्यों? हम आज आप पर कुछ जिस्मानी नुस्खे करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी सारी बीमारी जड़ से हट जाएगी। चलिए उल्टे लेट जाइए। महाराज, हमारी माने तो आपको शाही हकीम का इंतजार कर लेना चाहिए, कि उनका काम है वो ही जानते हैं। और तब तक क्या हमारे अब्बा हुजूर ऐसे ही दर्द में करकराते रहेंगे, तड़पते रहेंगे? अब्बा हुजूर कहना मानी, लेट जाइए। महाराज ऐसा मत कीजिए। बीरबल बेटा है हमारा, अपने अब्बा हुजूर के लिए कुछ करना चाहता है, हम मौका देना चाहेंगे। जैसी आपकी मर्जी जा पड़े। आपके लिए उल्टा भी लेट जाते हैं। आओ आओ सलीम, आओ शुरू करो। कैसा लग रहा है अब्बा हुजूर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे बार बार के हमारी हड्डियों का मुरब्बा बना दिया है आप लोगों ने। अगर ये हमारे अपने हैं तो इनके मुकाबले हमारे दुश्मन तो हमारे खुदा है। अरे ऐसे वक्त में बीरबल हमें छोड़कर कहाँ चला गया है? बीरबल आगे आगे आगे। कौन? बीरबल आ गए? नहीं नहीं, शाही हकीम आ गए। जा बना, देरी के लिए मुआफी। वो सब बाद में, हमारा इलाज कीजिए आप। जल्दी से शेड कैसे चलिए। चलो 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 चलिए। अरे उन्हें नहीं, हमें हमें चलिए। राम महाराज,
आइए आइए बीरबल साहब, आपको जानकर ये खुशी होगी कि महाराज बिल्कुल ठीक हैं। अगर ठीक नहीं भी होते तो आपको क्या पड़े। जब आपको महाराज के पास इनके साथ होना चाहिए था तब तो आप थे नहीं, पता नहीं किन मौज मस्ती में व्यस्त थे। हमें महाराज की फिक्र थी इसलिए हम महाराज के साथ रहे। लीजिए हुजूर, आ गए आपके लाडले बीरबल, पूछिए इनसे कहां थे अब तक। महाराज हमारी तलवार टूट गई थी तो उसको सिलवाने हम दर्जी के पास गए। ये कैसी बेहुदा बेतुकी बात कर रहे हो तुम बीरबल। तलवार ठीक करने का काम दर्जी का नहीं लोहार का होता है। वैसे ही जैसे मर्ज का इलाज करने का काम हकीम का होता है, ना कि बीवी बेटे या फिर वजीर का। वो तो भगवान का शुक्र है महाराज, वरना परिणाम गंभीर भी हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये जापना। हम जिस रास्ते से आ रहे थे और रास्ता पहाड़ टूटने से बिल्कुल बंद हो गया था, ऐन वक्त पर ही वहां पहुंच गए और अपने घोड़े में बिठाकर जंगलों से गुजरते हुए ऐन वक्त पर हमें यहाँ ले आए। अगर ये ऐन वक्त पर यहाँ नहीं जाते तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम जानते थे बीरबल ऐसे मुश्किल वक्त में आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आपका शुक्रिया अदा करके हम आपके जज्बे को छोटा नहीं करेंगे। आज आपने हमें बहुत बड़ी बात सिखाई, जिसका काम उसी को साजे। महाराज एक और विनती है आपसे, हमारे परम मित्र तानसेन को ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी गायकी से ऊब गए, इसलिए आपका मनोरंजन करने के लिए वो अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नृत्य से लेकर नट कला तक सब सीखने की कोशिश की पर सीख नहीं पाए, और अब वो खाना बनाना सीख रहे। यही बाहर एक नया व्यंजन, खुद का बनाया हुआ नया व्यंजन लेकर इंतजार कर रहे हैं। अरे तानसेन यहाँ है तो उन्हें बुलाइए, बुलाइए उन्हें। मित्र तानसेन, आई। तानसेन तुम भी कमाल करते हो, इतनी सी बात तुमने दिल पे लगा ली। खुदा का नूर है आपकी आवाज में, इस नूर से आप हमें मोहताज रखना चाहते हैं। वैसे क्या व्यंजन बना कर लाए हैं आप? शाही गाजर का हलवा है महाराज। क्या शाही गाजर का हलवा आप सब खाएंगे? नहीं 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 नहीं, पहले हम खाएंगे शाही गाजर का हलवा। इसमें गाजर के अलावा कुछ और भी डाला है? बहुत कुछ है महाराज, बहुत कुछ है। मेरी माँ का नुस्खा, हमने ही तो तानसेन जी को बोला ये बनाने को। पता है इसमें क्या है? गाजर के अलावा मेंढक के अंडे, कान खजूरे के कान के बाल खजूर में मिलाकर, और वो छिपकली जो मुझे नहीं मिली थी वो मिल गई, उसकी छोटी छोटी छोटे छोटे टुकड़े करके उसका रस निकाल के डाला है इसमें।